मंत्री और टीवी की चर्चित अदाकारा रह चुकी स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। दरअसल जोइश पर गोवा में अवैध रूप से रेस्टोरेंट चलाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जोइश 18 साल की हैं, शेफ बनना चाहती हैं, इसी सिलसिले को लेकर कई रेस्टोरेंट में काम कर चुकी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अवैध रूप से बार और रेस्टोरेंट चलाने का आरोप जोइश ईरानी पर लगा है, जिसके बाद से ये मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुका है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको जोइश ईरानी के कुछ पुराने मसले बताएंगे जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर चुके हैं। स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी का जन्म साल 2003 में हुआ। स्मृति ईरानी की बेटी कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने इस खेल में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल हासिल किए हैं। अक्सर अपनी बेटी की तस्वीरों को स्मृति सोशल मीडिया पर साझा करती हुई नजर आती हैं। स्मृति ईरानी की तमाम पोस्ट देखकर बताया जा सकता है कि बेटी में उनकी जान बसती है। स्मृति ईरानी की बेटी पर कांग्रेस नेता ने अवैध रूप से बार संचालन का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि स्मृति ईरानी की बेटी एक ऐसे शख्स के नाम पर बार चला रही है जिसकी साल 2021 में मृत्यु हो चुकी है। बेटी पर बड़ी मुसीबत आने के बाद स्मृति ईरानी पीछे नहीं हटी। स्मृति ईरानी ने कहा, मैं गांधी परिवार के खिलाफ हूँ, इसलिए मेरी बेटी को निशाना बताया जा रहा है। स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी अपने लुक्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ताने झेल चुकी हैं। वो बाकी स्टार किड्स की तुलना में बेहद सादगी से रहती हैं, जैसा कि तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जोइश ईरानी को स्मृति ईरानी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जिल्लत एक वक्त पर झेलनी पड़ी थी। दरअसल स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बेटी की तस्वीर शेयर की थी, जिस पर जोइश के क्लासमेट ने उनका खूब मजाक बनाया और जोइश के लुक्स पर भी सवाल खड़े किए। जोइश ईरानी तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं, वो बार बार कह रही हैं कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस मामले में कानूनी वॉर भी शुरू हो गई है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट।